हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें हम लोग हमारे पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, एवरेज मोलर मासेस के बारे में, वेपर डेंसिटी के बारे में और परसेंटेज कंपोजिशंस के बारे में। इन क्वेश्चंस में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे अब तक, तो आप सभी को पता होगा कि मोल्स क्या होता है, मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगी बस उसके बारे में, ठीक है। आप सभी को पता है एक मोल क्या होता है। एक मोल का मतलब होता है कि उसके अंदर 6.022 × 10³³ पार्टिकल्स होंगे। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आप सभी लोगों को पता है कि एक मोल में हमारे पास एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारा अवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मोल्स कैलकुलेट भी करते हैं। मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमें मास दिया हो, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, या फिर अगर हमें वॉल्यूम दिया हो, तो भी हम क्या करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मोल्स को हम तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइम पे आके आप सभी को पता होगा कि हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगी आप लोगों से, ठीक है। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स को हम, अगर हमारे पास कोई भी गिवन एलिमेंट है उसका मास गिवन है, हमें बताना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब हम कैलकुलेट करते हैं मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जितना उसका एटॉमिक मास होगा। अगर हम उसके गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो उसके मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, जितने हमारे अवोगैड्रो नंबर में पार्टिकल्स, अवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10³², ठीक है। और हम वॉल्यूम से कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम बात करते हैं एसटीपी पे, देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, वैसे हम लोग दो यहाँ पे कंडीशंस होती है, अगर हम लोग बात करते हैं 1 एटमोसफेयर और 273 केल्विन पे, तब इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे कोई गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो होता है 22.4 लीटर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 1 bar और 273 केल्विन पे, तब वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है 22.7 लीटर। इसी को ही हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस बोलते हैं। पहले क्या होता था, ओल्ड कन्वेंशन में इसको बोलते थे हम एसटीपी, लेकिन अब इसको बोलते हैं, लेकिन अभी भी काफी बुक्स में वॉल्यूम को 22.4 लीटर ही दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अगर 22.4 लीटर का कुछ मल्टीपल आ रहा तो 22.4 लीटर ले लेना, ठीक है। तो अगर हमें वॉल्यूम दिया हो, तो वॉल्यूम से हम लोग कैसे मोल्स निकालते हैं, वो होता है कि जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारा वॉल्यूम होगा 22.7 या फिर 22.4, वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने देख लिया कि हम तीन तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को आता होगा ये तो निकालने की, अगर हमें मास दिया हो तो मोल्स कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे या फिर मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, पार्टिकल से कैसे मोल्स निकालेंगे या फिर वॉल्यूम से कैसे मोल्स निकालेंगे। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि 2014 में जेईई मेंस में पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास रेशो गिवन है मासेस का, ऑक्सीजन के मासेस का और नाइट्रोजन के मास का, एक पर्टिकुलर गैस के लिए 1:4, मतलब हमें बोला है कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन है डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन है, ये गिवन है 1/4। हमें बताना है कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या रेशो होगा, इनके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या रेशो होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम मोल्स के रेशो की बात करें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेशो ऑफ ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
अब देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इनको हम पार्टिकल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, और इसको भी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन एन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एनए, और ये हो जाएगा एन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय एनए। अब यहाँ पे एनए से एन से एनए कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशो भी हो सकता है, ठीक है। और यही रेशो हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो हमें कैलकुलेट करना है। ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। अब इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का रेशो कितना गिवन है? 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? ये होता है 14, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? ये होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 14/64, ये आ जाएगा 7/32, मतलब इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो आएगा वो कितना आएगा? 7:32। आंसर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सबको पता है कि हम मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम मोल्स को गिवन मास से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो उसी का ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि 2014 में जेईई मेंस में पूछा गया था, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है एवरेज एटॉमिक मास का? देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जो कि अपनी आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके एक से ज्यादा आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरीन की, जैसे क्लोरीन है वो दो आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन। तो अगर हमसे कोई क्लोरीन का मास पूछता है, मोलर एवरेज एटॉमिक मास पूछता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों आइसोटॉप्स का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ना वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो कैलकुलेट करके आएगा वही हम बोलते हैं कि क्लोरीन का क्या है, मास है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो क्लोरीन 35 की परसेंटेज होती है 75%, और जो 37 क्लोरीन की परसेंटेज होती है वो होती है 25%, ठीक है, दोनों होती है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज को, जितनी परसेंटेज उसकी होती है मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास, यानी कि 75 × 35 + 25 × 37, और टोटल परसेंटेज जो कि 100 ही है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा कैलकुलेट करके, और वो आएगा 35.5। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का मास कितना लेते हैं, क्लोरीन का मास हम लोग लेते हैं 35.5, ठीक है। तो यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसके लिए एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास उनकी परसेंटेज गिवन होगी, उनके परसेंटेज को हम उनके मोलर मासेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ओवरऑल जो है ओवरऑल से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट ऐसा एटम गिवन हो, कोई ऐसा एलिमेंट गिवन हो जो आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, हमें परसेंटेज पता हो, तो हम उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, अगर किसी का भी एटॉमिक मास ऐसे डेसिमल में आ रहा है ना, मतलब कि वो एक से ज्यादा आइसोटॉप्स की फॉर्म में, मतलब वो आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में, ठीक है, 2009 में पूछा गया था एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था, सिमिलर क्वेश्चन है, आयरन के 3 आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी परसेंटेज गिवन है। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि आयरन का एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है, आयरन का एटॉमिक मास बताना है। परसेंटेज हमें पता है, हमें इनके मासेस पता है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनकी जो परसेंटेज है उनको मल्टीप्लाई कर देना है इनके मासेस से, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, वही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा इनका, इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा 54 Fe, इसकी परसेंटेज कितनी है 5%, तो 54 × 5 + 56 × 90 + 57 × 5/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज आएगी 55.95%। लेकिन देखो अब परसेंटेज क्या है, 55.95%, ये तो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, लेकिन आप एक चीज भी कर सकते हैं। देखो ये जो यहाँ पे 56 Fe है, इसकी परसेंटेज कितनी है 90%, और इन दोनों की कितनी है 55%, मतलब कि जो मास आएगा ना वो 56 का जो क्लोजेस्ट होगा वही हमारा आंसर होगा,
कैसे देखो, क्योंकि इसकी परसेंटेज कितनी है, 90%, मतलब जो इसके क्लोजेस्ट होगा वो उसी का मास, मतलब जो एवरेज मास आएगा वो इसके क्लोजेस्ट होगा। अब इसके क्लोजेस्ट सबसे ज्यादा यही है क्योंकि ये 90% अबंडेंस में है, तो यही हमारा क्या है आंसर। इस तरीके से भी आप देख के सिंपली पता लगा सकते थे, ऐसे बोरोन के केस में होता है, ठीक है, बोरोन 10 और B10 और B11, ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो यहाँ पे बोरोन 11 की जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो जो 11 के क्लोजेस्ट होगा वही आपकी क्या होगा, वही आपका आंसर होगा, उसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा। ये हमने बात करी एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज मोलर मास। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास किसका, अगर हमारे पास एक गैशियस मिक्सचर दिया है, ठीक है, अगर हमारे पास एक गैशियस मिक्सचर दिया है उसमें काफी सारी गैसेस प्रेजेंट है, हमें बताना है कि उस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास गैस है, सपोज हमारे पास O2 प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट है और हीलियम प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास O2 है, N2 है और हीलियम है, ठीक है। O2 के मोल्स मान लेते हैं N1 है, N2 के मोल्स मान लेते हैं N2 है और हीलियम के मोल्स मान लेते हैं कितने, N3 है। हमें बताना है इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या होगा, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स हम सबको पता ही है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस तरीके से हम मोलर मास को लिख सकते हैं, मोलर मास को हम लोग लिख सकते हैं क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमें क्या करना है, इस गैशियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना है। तो ये क्या होगा, जितना हमारा टोटल मास होगा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यही होगा ना, ठीक है। तो जो इसका एवरेज मोलर मास होगा, जो इसका एवरेज मोलर मास होगा वो क्या होगा, गिवन मास मतलब टोटल मास जितना गैसेस ऑक्यूपाई कर रही है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मास को हम लिख सकते हैं WT और टोटल मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NT, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब एवरेज निकालने के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि N1 प्लस N2 प्लस N3 बाय 3, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एवरेज नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनके तो मोल्स अलग अलग होंगे ना, इनका मास भी अलग है, इनके मोल्स भी अलग है, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास हमने क्या बताया, क्या होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। अब टोटल मास कैसे निकालेंगे, देखो मास क्या होता है, मास होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग मोल्स ले ले और अलग 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 इसका, अगर हम इसके मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका जितना मास हमने लिया वो आ जाएगा। ऐसे ही इसके मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका हमने जितना मास लिया वो आ जाएगा। फिर हम इसके मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, तो जितना इसका मास लिया हमने वो आ जाएगा, ठीक है। और टोटल मोल्स हम सम करके भी निकाल सकते हैं, वही यहाँ पे करना है। देखो, तो एवरेज मोलर मास यहाँ पे क्या होगा, एवरेज मोलर मास होगा इसके मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका मास। इसका मास कितना है, 32, तो N1 into 32 प्लस यहाँ पे ये कितना है, 28, तो N2 into 28 प्लस N3 into हीलियम। हीलियम का मास कितना होगा, 4, N3 into 4 divided by N1 plus N2 plus N3। अगर हम masses ना लिखते तो ये क्या होता, अगर हम suppose कोई भी gas होती तो क्या होता, M1 ये होता M2 और ये होता M3। तो इसका जो average molar mass होगा वो क्या होगा, N1 M1 plus N2 M2 plus N3 M3 divided by N1 plus N2 plus N3। तो हमारे पास कोई भी गैशियस मिक्सचर गिवन है, उसका हमें क्या करना है, टोटल मोलर एवरेज मोलर मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हर गैस के मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उनका मास आ जाएगा। इसी तरीके से जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है, 10% है, 12% है, जितनी भी प्रेजेंट है, सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास अगर कोई भी गैशियस मिक्सचर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास प्रेजेंट है SO2 और O2, ठीक है,
2:1 मोल रेशियो में प्रेजेंट है, बताओ क्या इसका एवरेज मोलर मास क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसके मोल्स 2:1 मतलब इसके 2 मोल्स है और इसके 1 मोल्स है, ठीक है? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे सल्फर का मास 32, ओ2 का मास 32 यानी कि 64, तो एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा, जितने हमारे पास SO2 के मोल्स है, कितने मोल्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास 64 प्लस O2 के जितने मोल्स है 1 और उसका मोलर मास 32 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं 3, तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करके हमारे पास मोलर मास आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गैशियस मिक्सचर के लिए अगर हमारे पास उसके मोल्स पता है तो हम उसका एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, देखो आगे हम डिस्कस करते हैं, अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास, ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। आगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो क्या है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, अब ये वेपर डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, वेपर डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो देखो अब यहां पे अगर हम बात करें तो वेपर डेंसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये बोल सकते हैं, ठीक है? और ये जो होता है ये कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है? तो वेपर डेंसिटी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, अगर हम कांस्टेंट, अगर हम किसी गैस के लिए बात कर रहे हैं उसकी वेपर डेंसिटी की बात करें तो किसी भी आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन आप सब लोगों ने पढ़ रही होगी। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू आर इंटू टी, ठीक है? अब मोलर मास को इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, पी इंटू एम डब्ल्यू बाय वी, डब्ल्यू बाय वी क्या होती है डेंसिटी, तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया डेंसिटी के बीच में और मोलर मास के बीच में। अब देखो यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट ही है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मतलब कि जो डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के। ये एक फॉर्मूला होता है डर्टी पीएम, जिसमें हम डेंसिटी को रिलेट करते हैं मोलर मास से, प्रेशर से, ठीक है? तो यहाँ पे डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे बात कर रहे थे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 2, तो वेपर डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो अगर हमें क्वेश्चंस में मोलर मास ना पूछ के अगर हमें क्वेश्चंस में वेपर डेंसिटी दी हो तो हम क्या कर सकते हैं, उससे मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक सिंगल गैस की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी इजीली बता सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन अगर हम किसी गैसियस मिक्सचर की बात करें, गैसियस मिक्सचर की बात करते हैं तो उस केस में जो वेपर डेंसिटी होगी मिक्सचर की वो क्या होगी, जो हमारा एवरेज मोलर मास जो हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा था, एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम मिक्सचर के लिए भी सिमिलर तरीके से वेपर डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं और उस केस में हमें क्या करना होगा, एवरेज मोलर मास निकालना होगा जो हमने पहले कैलकुलेट करना सीखा था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चंस में आपको क्या कर, क्वेश्चंस में आपको मोलर मास ना देके वेपर डेंसिटी गिवन होगी तो आपको क्या करना होगा, पहले मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद फिर आप लोगों को प्रोसीड करना होगा, ठीक है? अब देखो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है, परसेंटेज कंपोजिशन दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकता है मास परसेंट की। मास परसेंट क्या है, मास परसेंट का मतलब है कि जितना मास उस एटम का या फिर उस एलिमेंट का प्रेजेंट होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास जो पूरे कंपाउंड का होगा। तो मास परसेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जितना मास उस एलिमेंट का होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास, जितना टोटल मास होगा मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? और मोल परसेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मोल परसेंट इसी तरीके से होता है जितने उस एलिमेंट के मोल होंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इंटू 100,
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मास परसेंट और मोल परसेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं करना, जितने मोल्स उस सब्सटेंस के होंगे उनको टोटल मोल से डिवाइड कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मोल परसेंट आ जाएगा और इसी तरीके से मास परसेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो जेईई मेंस में इस बार पूछा गया था 2019 में 8 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में, हमसे पूछा है कि परसेंटेज कंपोजिशन बताओ कार्बन की बाय मोल मीथेन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो CH4 मीथेन, ठीक है। अब इसके अंदर 1 मोल कार्बन है और 4 मोल हाइड्रोजन है, 4 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। 1 मोल कार्बन है और 4 मोल हाइड्रोजन है, हमसे पूछा है कि परसेंटेज कंपोजिशन बताओ कार्बन की बाय मोल। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी कार्बन की, जितने कार्बन के मोल्स है 1 / टोटल मोल्स कितने हो गए, 5 × 100 यानी कि 20%, ठीक है। तो 20% क्या हो जाएगी हमारी परसेंटेज कंपोजिशन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था जेईई मेंस में इस बारी। तो ऐसे जो टॉपिक्स है इन टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, डायरेक्ट आपको क्या बोलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड या फिर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे डाउटनेट चैनल को सब्सक्राइब करें।